struggle suffering challenges testing period tough time in fact all these are part of a vocabulary of a man who is seeing only the lower being pushed without recognizing how the higher delight is in the process you are saying the caterpillar is being pushed i am saying butterfly is being born every time man is pushed god delights for it is through this push that man is created <laughs> इस वाटर बक की कहानी से मैं आपको कुछ रिलेट करके समझाना चाहता हूँ आज से दस साल पहले जब मेरी उम्र उन्नीस साल थी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे मेरी मॉम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी मेरे दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब के अंदर थे वो मेरे से चाहते थे कि मैं किसी एक गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करूं। मेरे दोस्त मेरे से चाहते थे कि मैं कॉलेज में स्मार्ट दिखूं, मौज मस्ती करूं, एंजॉय करूं, ड्रिंक करू, करूं, स्मोक करूं। और कॉलेज में एंजॉयमेंट करूं मेरी फैकल्टी मेरे से चाहती थी मैं अच्छे मार्क्स स्कोर करूं और आ, कॉलेज का एक आ, अच्छा परसेंटेज आकर कॉलेज का नाम रोशन करूं और एक अच्छा प्लेसमेंट कॉलेज से क्रैक करूं लेकिन सवाल यह था कि मैं अपने आप से क्या चाहता था सवाल ये नहीं था कि मेरे पेरेंट्स मेरे से क्या चाहते थे सवाल ये नहीं था कि मेरे दोस्त मेरे से क्या चाहते थे सवाल ये नहीं था कि मेरी फैकल्टी मेरे से क्या चाहती थी सवाल ये था कि मैं मेरे से क्या चाहता था और मैं मेरे से कुछ अलग करके दिखाना चाहता था जिस दिन आए हुए थे मुझे मुझे वहां पहुंचना है। आज हजारों लोग इस इंसान को सुनने के लिए आए मुझे कुछ ऐसा करना है कि हजारों लोग मुझे सुनने के लिए आए और उनको मैं कुछ सिखा भी पाऊं जब मैंने उस इंसान को सुना उसकी आर्थिक कामयाबी को देखा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इसकी आर्थिक कामयाबी मुझे वहां पहुंचना है कि जीवन में मेरे पास अगर मैं अंबानी ना बन सकूं बहुत बड़ा ना बन सकूं लेकिन नौकरी से बेहतर आर्थिक कामयाबी कम कम से कम इतनी तो मेरे पास होनी चाहिए क्योंकि अंबानी बनने का रास्ता तो नहीं था लेकिन उस इंसान की आर्थिक कामयाबी तक पहुंचने का रास्ता मेरे पास ये बिजनेस था उस दिन मैंने डिसाइड करा कि मैं भी वॉटरब की कॉलोनी में ही रह रहा था राइट और वाटर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहा था जहां पे मेरे आजू बाजू में सारे वाटर लेते थे राइट मैं चाहता तो मेरे पास दो ऑप्शन थे या तो फ्राइडे नाइट को सैटरडे को संडे को उन सारे वाटर के साथ पार्टी करें घर में बैठ के नागिन के टीवी और सीरियल देखें ग्यारह ग्यारह बजे बारह बजे तक सोए राइट या फिर वो ऊपर जो सूरज की रोशनी दिख रही थी ना वो ऊपर जो एक अपलाइन दिख रही थी जिसकी कामयाबी दिख रही थी ना उसको देखकर उसकी डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करते हैं डाउट तो मन में बहुत सारे थे नहीं हुआ तो नहीं कर पाए तो कई लोगों ने बोला अरे बहुत लोग तो ऊपर गए बोला ना अरे कई सारे वॉटर ऊपर गए कभी वापिस ही नहीं आए नहीं हो पाए थे लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब सी जिद थी कि यार कुछ करके दिखाना है काम करना शुरू करा अच्छा समय आया

और वो उड़ने का मतलब क्या है वो उड़ने का मतलब ये है कि वो जो एक करोड़ रुपए पर मंथ का पैकेज बहुत बड़ा लगता था ना कॉलेज में राइट right? कॉलेज में तो बारह लाख रुपए की किसी की जॉब लग तो उसको हीरो माना जाता था बारह लाख रुपए लाख का प्लेसमेंट हुआ या? तुम क्या तुम तो थ्री वाले हो राइट right? करेक्ट तुम तो 3.2 वाले हो 3.2 यूज्ड टू बी एवरेज एंड 12 लाख रुपीज पर बी द एलाइट क्लास आज 12 लाख पर पर मंथ आज जीवन में सपना बारह लाख रुपए पर मंथ पाने का नहीं है आज जीवन में नए बच्चों के साथ काम करके उनको बारह लाख पर मंथ पे लाने का सपना है बारह लाख पे लाने का सपना है लेकिन इसके लिए कुछ तो छोड़ा होगा ना कुछ तो छोड़ा होगा ना किसी भी कामयाब इंसान को उठा के छोड़ देखो क्या उसने जीवन में कुछ नहीं छोड़ा होगा साउथ इंडियन एक्टर है धनुष आपने राजना मूवी देखी होगी करेक्ट फादर बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर है राइट right? रजनीकांत की बेटी से उनकी शादी हुई है लाइफ एकदम सेट थी, 16 साल की उम्र से मूवी बनाना शुरू कर दिया जबकि जीवन में सब कुछ था आपको नहीं लगता शाहरुख खान जिस समय मुंबई की सड़कों पे घूम रहा होगा उसने बहुत कुछ खोया होगा उस समय किसी भी काम में इंसान को उठा के देखो आप